बड़ा अजीब सा सवाल होता ही है, अपने बारे में बता। कभी कभी लगता है सीधे जाके बोल दूं, जाओ जाकर गूगल पर सर्च कर लो MIRCHIALOK मिर्ची आलू के नाम से, मैं आपको हर जगह पर मिल जाऊंगा। फिर लगता है कहीं रूट तो नहीं हो जाएगा। जब भी कोई पूछता है अरे अपने बारे में बताओ, अच्छा दो सवाल आते हैं मेरे जहन में, अपने बारे में बता दूं या अपने दिल से जो पर्दा है वो मैं उठा दूं और सब कुछ साफ साफ सरल तरीके से मैं बता ही दूं। समझ ही में नहीं आता है कि शुरू कहां से करूं, मेरे स्ट्रगल्स, मेरी मेहनत, मेरे अप्स, मेरे डाउन्स। लेकिन फिर जहन में एक सवाल आता है कि मान लो मैंने अपने बारे में आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया, सब कुछ साफ सरल तरीके से, तो आप मुझे कहीं फॉर ग्रांटेड तो नहीं लोगे? वैसे किसी ने पूछा मेरे से कि मेरे नाम का मतलब क्या होता है, मैंने बोला आलोक यानी कि प्रकाश यानी कि शाइन, एंड माय ड्यूटी इज टू शाइन ऑलवेज। कंटेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें मुझे याद आता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे आशीष चंचलानी से, भुवन बम से, हर्ष बेनीवाल से, एंड एट्सेट्रा, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं। ऑल्दो ये लोग लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस क्रिएट करते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स आए जिन्होंने 10 से 15 सेकेंड के अंदर जो है एकदम भावकाल प्रदर्शन करते हैं यार। और इतने बड़े कॉन्सेप्ट को समझाने में, मतलब एक मिनट को कॉन्सेप्ट को समझाने में उन्होंने सिर्फ 10 से 15 सेकंड का गेम खेला, तो वहाँ से यार मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तब मुझे समझ में आया कि वो कंटेंट था और ये कंटेंट है। ऑल्दो डेफिनेटली कंटेंट दोनों ही है, दैट वाज जस्ट अ पन। टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी टेबल टॉक्स, आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत समय से यार मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। Hi, this is Hrithik Roshan. What's up, guys? तो ऐसी घटिया एक्टिंग मैं कर लेता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स हैं उनकी घटिया एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सोचता था यार कि कभी कुछ ऐसा हो जाए कि अगर मैं एक्टर बन जाऊँ, मेरी कोई वेब सीरीज कुछ आ जाए, तो क्या लोग मुझे भी मिमिक करेंगे? वेल आई गेस विद कॉफ़ी टेबल टॉक्स आई माइट जस्ट गेट दैट अपॉर्चुनिटी and I'm really excited, I'm really looking forward for that. Well, let's see how that turns out to be. Till then, take care of yourself. Or agar aap logo mere se reach out karna hai, you guys can always reach me out. Mirchi Alok, yaad hai na, shuru mein jo bola tha.